हेलो फ्रेंड्स, बाइनरी ट्यूब प्रयागराज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनुपमा चौहान आज आपको पीसीसी के अपने अगले वीडियो में ले चलती हूँ। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर की बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल बातों को जानेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोग को अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे बीसीसी के जो कोर्स है बहुत ही यूनिक टाइप का कोर्स है, और स्पेशली आप लोग के लिए ये हर उस इंसान के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया जा रहा है जिन्हें कंप्यूटर की जरा भी बेसिक नॉलेज नहीं है। और इस कोर्स की मदद से वो लोग अपनी लाइफ को थोड़ा सा इजी कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अपने इस वीडियो में बहुत ही आसान और बहुत ही आसान तरीके से आप लोग को स्टेप बाय स्टेप अपने हर वीडियो की मदद से अपने इस कंप्यूटर को कैसे चलाते हैं वो मैं आप लोग को पूरा तरीका सिखाऊं, थियोरेटिकली और साथ ही साथ प्रैक्टिकली, जिसके वजह से फ्रेंड्स आप लोग को कोई भी डाउट कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया फ्रेंड्स, बीसीसी जो हमारा कोर्स है यानी कि बेसिक कंप्यूटर कोर्स, बेसिक का मतलब ये है कि हमें फंडामेंटल जानना है, जिसमें हम लोग को पूरा का पूरा ऑफिस समझना होगा कि एमएस ऑफिस कैसे वर्क करता है। इसके साथ ही साथ हमें कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की भी जानकारी आप लोग को देनी है, और साथ ही साथ फ्रेंड्स इसके अलावा इंटरनेट का यूज भी आप लोग को बताया जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कंप्यूटर के डेफिनेशन के साथ में। ओके फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कंप्यूटर, और बहुत सारे लोगों को कंप्यूटर के बारे में पता भी है, फिर भी अगर कंप्यूटर के डेफिनेशन के बारे में जब पूछा जाता है तो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं बता पाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, यहाँ पे चुप रहना या ना बता पाने जैसा कुछ नहीं है, बिकॉज यहाँ पे अगर थोड़ा सा आप लोग को बस कॉन्फिडेंटली अगर किसी को भी आपसे कोई भी आपसे पूछे कि कंप्यूटर क्या चीज है, तो बस उसने इतना बता दिए कि कंप्यूटर एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिस पर हम कहीं भी किसी भी जगह पर हम लोग काम कर सकते हैं, और इस पे हम लोग जो है कुछ भी सीखने से लेकर अपने टाइम को यानी कि अपने बोरिंग टाइम को भी एंटरटेनिंग बना सकते हैं, पढ़ने लिखने से लेकर के अपने ऑफिस तक का सारा काम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अब हमारे जो लाइफ हो चुकी है टोटली डिजिटाइज हो चुकी है, हमारा जो ये कंट्री है वो भी टोटली डिजिटाइज हो चुका है, जहाँ पे अब सारा कुछ काम अब कंप्यूटर पे होने लगा है, यानी कि अब कंप्यूटर आपके लाइफ का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा बन चुका है। यूँ कहूँ तो कंप्यूटर आपका के लाइफ में आपका असिस्टेंट बन चुका है, चाहे वो कोई भी हो, एक बच्चा हो, बूढ़ा हो, या घर में रहने वाला हो, या बाहर जाके कहीं भी काम करने वाला। फ्रेंड्स, आप लोग अगर उसका जैसे कि मैंने कहा डेफिनेशन की बात, तो डेफिनेशन बस सिंपल से आप किसी को भी बता सकते हैं कि ये हमारे एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसे कभी भी कहीं भी कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल जो है ऑफिस में होता है, आपके रेलवे स्टेशन पे होता है, आपके डे टू डे लाइफ में यूज होता है, आप घर पे भी यूज कर सकते हो, स्कूल कॉलेज पे भी यूज कर सकते हो, इवन आप लोग अगर जैसे बोर हो रहे हो तो उस टाइम में भी आप लोग जो है कुछ सीख सकते हो, या इस पे गेम खेल सकते हो, मूवी देख सकते हो, ऐसे बहुत सारे काम कर सकते हो। फ्रेंड्स, जो आपका ये कंप्यूटर जो डिवाइस है ये आप लोगों का क्या है, बहुत ही अच्छा डिवाइस है। इसमें क्या होता है कि आप लोग मल्टीटास्क मतलब एक समय पे आप लोग कई सारी चीजें कर सकते हो, इसमें गाना भी सुन सकते हो, इसमें आप लोग कुछ पढ़ भी सकते हो, इसमें आप लोग अपना ऑफिस वर्क भी कर सकते हो, और साथ ही साथ में कॉलिंग भी कभी कभी आप अटेंड कर सकते हो। उसके भी फीचर्स होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जिन्हें नहीं पता होता है तो सोचते ऐसा नहीं है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो आप लोग जो ये मोबाइल फोन आजकल के टाइम में यूज करते हो, ये कहीं ना कहीं आपके कंप्यूटर से ही जो है इंस्पायर होके मोबाइल फोन को इतना एडवांस और इतना रिलायबल आज के टाइम में बनाया गया। तो फ्रेंड्स, जब आप मोबाइल फोन इजिली सीख सकते हो तो कंप्यूटर सीखने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और ये मैं बताऊंगी कैसे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं इस वीडियो में, बात होगी हमारे कंप्यूटर मीनिंग की, डेफिनेशन की। अब जानते हैं कि हमारा कंप्यूटर एक्चुअली कैसे वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, मैं कंप्यूटर के बारे में बताना चाहूंगी, जो हमारा कंप्यूटर है यानी कि हमारा जो सिस्टम है यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये जो डिवाइस है ये दो तरह से काम करता है, या यूं कहें तो दो चीजें एक साथ मिलके काम करती है, और वो क्या है आइए जानते हैं। सबसे पहले जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो ये हमारा टोटली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फ्रेंड्स, यहाँ हम इसके बेस पार्ट की बात कर रहे हैं, ना कि इसके कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। ओके, अब उसका बेस पार्ट क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं हार्डवेयर की, हार्डवेयर, और दूसरा हमारा है सॉफ्टवेयर। फ्रेंड्स, ये जो हमारा हार्डवेयर है
और सॉफ्टवेयर है, इन दोनों के बिना हम कंप्यूटर को अज्यूम भी नहीं कर सकते, यानी कि हम सोच भी नहीं सकते कंप्यूटर पे काम करने का। इन दोनों को एक दूसरे की बहुत ज्यादा जरूरत है। वैसे तो कंप्यूटर एक बिजली उपकरण है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बिना बिजली की मदद के नहीं चल सकता है। तो उसके लिए भी हमें क्या जरूरत पड़ती है, इसकी जरूरत पड़ती है, यानी कि हार्डवेयर। हार्डवेयर वो हिस्सा होता है फ्रेंड्स जिससे कि हम अपने कंप्यूटर को आसानी से छू सके, महसूस कर सके, देख सके, एक जगह से दूसरी जगह उसको ले जा सके, रख सके, मतलब उसे टोटली हम लोग फील कर सके, जिसका यूज कर सके। ठीक है, वो ये पार्ट्स जिसको हम लोग कहीं भी कभी भी उठा के रख सकते हैं, कहीं भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, वो हमारा हार्डवेयर हो गया, यानी कि जिसे हम देख सके, छू सके, महसूस कर सके, एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सके, वही क्या है, हमारा हार्डवेयर है। ओके फ्रेंड, आई होप कि हार्डवेयर आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर। ये जो फ्रेंड सॉफ्टवेयर है, जब बात करते हैं हम कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर यानी कि हमारा जो हार्डवेयर, बिना सॉफ्टवेयर की मदद के वर्क नहीं करेगा। हार्डवेयर तो चलो ठीक है, आपने कि मतलब कंप्यूटर है, आपने उठाया, रखा, इधर से उधर ले गए, लेकिन कंप्यूटर कैसे काम करे, उसके हाथ पैर तो है नहीं और ना ही कोई उसके आंखें हैं। उसको जो है इंफॉर्मेशन की जरूरत है, और वो इंफॉर्मेशन उसके अंदर यानी उसके दिमाग तक हमको पहुंचाना है, और वो करने के लिए हमें ऐसा कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो हिस्सा क्या होता है, हमारा सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि वो हिस्सा जिसके माध्यम से हम लोग अपनी बातें कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं और कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को हम लोग लेते हैं। वो हिस्सा क्या कहलाता है, हमारा सॉफ्टवेयर है, और वो ही आपस में ये दोनों हमारे कोरिलेटेड है। ओके फ्रेंड्स, अब ये इसको अगर मैं ये कहूँ कि ये दोनों आपस में कोरिलेटेड है, तो फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर इमेजिन नहीं कर सकते, बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर नहीं इमेजिन कर सकते। हमको जब कंप्यूटर पे काम करने होती है तो हमको इन दोनों की जरूरत होती है। सॉफ्टवेयर क्या हो गया, हमारा एप्लीकेशंस हो गया, वही हार्डवेयर क्या हो गया, हमारे कंपोनेंट्स हो गए। हमारे सॉफ्टवेयर क्या हो गया, लैंग्वेज हो गया। वही हमारा हार्डवेयर क्या हो गया, हमारे सारे फिजिकल मशीन पार्ट्स हो गए। तो ये थे कुछ इसके बेसिक एग्जांपल्स, जिससे कि आप लोग समझ सकते हो कि हमारा जो हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर है, ये दोनों क्या है, आपस में कनेक्टेड है, यानी कि कोरिलेटेड है। बिना इसके हम कोई काम नहीं कर सकते। अब समझते हैं कैसे। अब फ्रेंड्स जैसे मान लीजिए कि अगर आपको कंप्यूटर से अगर आपको गाना सुनना है, ठीक है फ्रेंड्स, तो गाना सुना आपने, कंप्यूटर तो ला के रख लिया, चलिए उसको आपने बिजली में भी लगा दिया, कंप्यूटर जो है आपका बिजली में चार्ज भी हो गया, लेकिन फ्रेंड्स वो आपको गाना कैसे सुनाएगा, है ना बात, वीडियो कैसे दिखाएगा। अब ऐसा सिचुएशन उसके पास कुछ तो होना चाहिए, तो उसके लिए हमें जरूरत होती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, ठीक है, जिसमें हम लोग जिसकी मदद से हम लोग गाना सुनते हैं, वीडियोस को देखते हैं। यानी एक तरह से मैं कहूँ तो अपने जो इंफॉर्मेशन है हमने कंप्यूटर को दी, हमने कहा कंप्यूटर से काम करने के लिए, इसके थ्रू कंप्यूटर ने हमें हमारे इंफॉर्मेशन को, हमारी नीड को फुलफिल किया। यानी कि बिना इसके हम जो है सोच भी नहीं सकते कि हम अपना काम कैसे करें, इसीलिए हमें इसकी जरूरत पड़ती ही पड़ती है। यानी कि जो चीज हमारे इंफॉर्मेशन को और हमारे डेटा को हम तक प्रोवाइड कराए, एज अ रिजल्ट वही हमारे लिए क्या हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई हो। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक पार्ट, यानी कि जब भी हम बात करते हैं, कोई भी आपसे पूछता है कि कंप्यूटर का बेसिक पार्ट क्या होता है, तो आप लोग का जवाब यही होना चाहिए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। फ्रेंड्स हम यहाँ पे कंपोनेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसकी फिजिकल पार्ट्स की नहीं बात कर रहे, हम उन हिस्सों की बात कर रहे हैं जो कंप्यूटर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, यानी कि हमारा हार्डवेयर और हमारा सॉफ्टवेयर। ओके फ्रेंड्स, ये चीज आपको समझ में आ। अब आइए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को समझते हैं, क्या क्या हमारा हार्डवेयर है और क्या क्या हमारा सॉफ्टवेयर है। फ्रेंड्स बिना हार्डवेयर के और बिना सॉफ्टवेयर के काम करने पाना तो बहुत मुश्किल है। अब सोचे कोई इंसान के सॉफ्टवेयर रख लें और फिर उसे हम जब काम कर ले, तो नहीं है। सॉफ्टवेयर है तो हार्डवेयर की जरूरत है, और हार्डवेयर है तो
तो सॉफ्टवेयर की जरूरत, ऐसा केस हमारे इस जो है क्या कहते हैं कंप्यूटर को जरूरत पड़ती है। अब फ्रेंड्स यही ऐसे भी हमारे सामने एग्जांपल के लिए डिवाइस बताऊं जो कि हार्डवेयर है पर उनको सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, जैसे कि हमारा मोटर बाइक हो गया। अब फ्रेंड्स जब हम मोटर बाइक की बात करते हैं तो टोटली क्या है, हार्डवेयर है, ना कि वो सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट है या सॉफ्टवेयर की उसको जरूरत है, क्योंकि फ्रेंड्स वो सारा कुछ हम उसमें एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं और एक दूसरे के माध्यम से ट्रिगर करके हम उसका यूज करते हैं। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं है, कंप्यूटर में सिर्फ मशीन मशीन से हम काम नहीं कर सकते, इस मशीन को जरूरत होती है एक ऐसे सॉफ्टवेयर की जिससे कि वो हमारे इंफॉर्मेशन को हमें अच्छे से प्रिपेयर करके हम तक प्रोवाइड करें। ओके फ्रेंड्स, तो ये होता है हमारा सॉफ्टवेयर। चलिए आते हैं अब इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स हम जानते हैं कि हमारे कंप्यूटर जो है किस किस टाइप के होते हैं, किस किस वैरायटी के होते हैं, आइए देखते हैं। मैं आपको अपने स्क्रीन पे ही दिखाना चाहूंगी, जैसे हमारे पास देख सकते हैं ये कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स हैं और जिसे मैं इस तरह से आपको अपने स्क्रीन पे दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स ये जब बात करते हैं कंप्यूटर की तो ये हमारा कंप्यूटर पार्ट्स होता है, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मॉनिटर, फ्रेंड्स ये हमारा मॉनिटर है। मॉनिटर आपका जो है टीएफटी स्क्रीन भी हो सकता है, एलसीडी स्क्रीन भी हो सकता है, टच स्क्रीन भी हो सकता है, ठीक है। हम लोग अगर इसकी बात करते हैं इसे डेस्कटॉप के रूप में भी देखते हैं, इसे हम डेस्कटॉप भी कहते हैं क्योंकि हमारा किसी टेबल या डेस्क पे रख के जहां हम वर्क करते हैं और जहां इधर उधर मूव नहीं करते हैं, तो इसी वजह से हम लोग उसको डेस्कटॉप का नाम देते हैं। और बेसिकली उसमें हमारा ये मेन होता है स्क्रीन, यानी कि हमारा ये मॉनिटर जिसको हम स्क्रीन या मॉनिटर दोनों ही कहते हैं। फिर इसके बाद ही आता है फ्रेंड्स, इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारा ये कीबोर्ड। कीबोर्ड भी सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ये इम्पोर्टेंट हिस्सा इसलिए है फ्रेंड्स क्योंकि इसी के माध्यम से यानी इसी के थ्रू हम लोग अपने इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं और हम लोग को जो भी जानकारी जो भी जरूरी बातें जाननी होती है इसी के मदद से हमको मिलती है, ठीक है। यानी कि ये इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर तक पहुंचाने का रास्ता है, एक तरह से उसका माध्यम है, इसीलिए कीबोर्ड बहुत जरूरी होता है। कीबोर्ड में कम से कम आपके 105, 108, 111 ऐसे कीज मिलेंगे। अभी तो प्रेजेंट टाइम में फ्रेंड्स अब मल्टीमीडिया कीबोर्ड भी आ गए हैं जिसमें आप लोगों को बहुत सारे कीज दिखाई देंगे बहुत सारे फंक्शंस के साथ में। और अब तो कीबोर्ड फ्रेंड्स मार्केट में ऐसे भी अवेलेबल हैं जो कि आपके वायरलेस भी हैं और वायर वाले भी हैं, यानी कि आप लोग दोनों तरह से काम कर सकते हो। सोचिए लाइफ आप लोग की जो लाइफ है एज अ टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है। अब फ्रेंड्स ऐसे में अगर आप लोग को कंप्यूटर नॉलेज ना हो तो सोचिए आप कितने ज्यादा पिछड़े हो, कितना पीछे हो। तो हमें अपने आप को अपग्रेड करने की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि फ्रेंड्स आज के टाइम की अगर बात करें तो हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं और इस कोरोना काल में फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात तो यही है, सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है कि उन बच्चों को घर में बैठ के पढ़ाई करनी होती है, यानी स्कूल की पढ़ाई अब उन्हें घर में करनी होगी और उसके लिए उन्हें कंप्यूटर की नॉलेज होना बहुत जरूरी है और साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी कंप्यूटर नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर पेरेंट्स को कंप्यूटर नॉलेज नहीं होगी तो वो अपने बच्चों की जरा भी हेल्प नहीं कर पाएंगे। बच्चे जो होते हैं उनको अगर ये सोचे कि हम अपना पूरा पढ़ाई खुद से कर पाए तो ऐसा नहीं होता है, पेरेंट्स को भी उनकी हेल्प की उन्हें बहुत जरूरत पड़ती है। ऐसे में फ्रेंड्स पेरेंट्स की प्रॉब्लम तब ज्यादा बढ़ जाती है जब उन्हें कंप्यूटर की जरा से भी बेसिक नॉलेज नहीं होती है। इसीलिए फ्रेंड्स ऐसे लोगों के लिए जो हमारा बीपीपी का कॉन्सेप्ट है ये जो कोर्स है बहुत ही काम का है, बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें पूरा आपको बेस और फंडामेंटल अच्छे से बताया जाता है और इसके मदद से आप लोग अपने डे टू डे लाइफ में कंप्यूटर को इजीली हैंडल कर सकते हो। इसी वजह से फ्रेंड्स मैं आप लोग को बार बार कहती हूँ कि हर वो इंसान जिसे कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है वो डेफिनेटली हमारे इस कोर्स को ज्वाइन करे और सीखे। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो हो गया हमारा कीबोर्ड। नेक्स्ट आते हैं हमारा माउस। हमारा जो ये माउस है फ्रेंड्स ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इस माउस की मदद से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को हमारे स्क्रीन पे जो दिखाई देता है उसे हम लोग पॉइंट आउट करने का काम करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह उसे मूव कराने का काम करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ड्रैग एंड ड्रॉप करने का काम करते हैं। एक तरह से अगर मैं ये कहूँ कि इस माउस की मदद से भी हम लोग अपने इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर तक इजिली अच्छे से प्रोवाइड कराते हैं तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो हो गया आपका तीन कंपोनेंट्स जिसमें आप लोग का आता है माउस मॉनिटर कीबोर्ड। अब इसके अलावा एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिसके वजह से हम लोग कंप्यूटर को कंप्यूटर कहते हैं और वो है आपका यहाँ पर कंप्यूटर केस यानी कि सीपीयू प्रोसेसर।
ये देखिए, जो कि आपके इस कंप्यूटर केस में इनबिल्ट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका कारण क्या है, सीपीयू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है वो समझते हैं। फ्रेंड, जो सीपीयू होता है उसे हम लोग कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। ओके फ्रेंड, जैसे कोई भी एक इंसान हो उसके बॉडी के हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर उसके इंसान के पास उसके पास दिमाग ही ना हो तो वो कैसे काम करेगा, वो कैसे किसी चीज को फील करेगा, कैसे किसी चीज को रिएक्ट करेगा। तो दिमाग का होना सबसे ज्यादा जरूरी। उसी तरह से हमारे जो कंप्यूटर जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मशीन है, इसके पास भी हमने एक ब्रेन इसे प्रोवाइड किया, लेकिन ये जो इसका ब्रेन है वो ये इसके खुद से नहीं चलता है, इसे हमारे ऊपर डिपेंड किया गया। हमारे ऊपर इसलिए डिपेंड किया कि ताकि जो मशीन है वो हम इंसानों को भारी ना पड़े, हम इंसानों की लाइफ को इजी रखे, ना कि हम इंसानों के ऊपर की भारी पड़ जाए। ओके फ्रेंड्स, अगर ये अपना दिमाग यूज करने लगे तो सोचिए ये हमसे ज्यादा एडवांस निकल जाएगा और हम कहीं के नहीं होंगे, क्योंकि इंसान कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों में अभी भी गलतियां करता है, बहुत सारी कमियां होती है, लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं। कंप्यूटर अपने आप में टोटली और एकदम ही परफेक्ट इक्विपमेंट है, एकदम ही परफेक्टली मशीन है। इसी वजह से कंप्यूटर को उसका अपना दिमाग ना दे करके उसे इंसानों के दिमाग पर डिपेंड करा दिया गया, जिससे कि इंसान उसे जो भी इंस्ट्रक्शन दे कंप्यूटर हमारा उसी तरह से हमको रिप्लाई करे, हमें आंसर दे, हमारी मदद करे हमारे डे टू डे लाइफ में। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो आपको समझ में आ गया, कंप्यूटर यानी कि उसका सबसे मेन कॉम्पोनेंट, सबसे मेन हिस्सा सीपीयू होता है, जो कि हमारे ये प्रोसेसर और ये कंप्यूटर केस। एक्चुअली फ्रेंड्स, ये जो प्रोसेसर ये है ये हमारे कंप्यूटर केस के अंदर लगा होता है, यानी कि उसमें फिट होता है। अब आइए देखते हैं इस कंप्यूटर केस में और भी क्या क्या चीजें फिट होते हैं। एक तो आपको ये मदरबोर्ड होता है फ्रेंड्स, ये जो मदरबोर्ड है ये बहुत ही काम की चीज है। इस मदरबोर्ड में हमारे बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जो आउटपुट और इनपुट को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करवाते हैं, इसीलिए हमारा मदरबोर्ड बहुत खास है और इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ फ्रेंड यहाँ पे हार्ड डिस्क है। ये हार्ड डिस्क क्या करता है, हमारे जो इंफॉर्मेशन है उसे स्टोर करने का काम करता है। अगर ये चीज ना मिसिंग हो तो आप कोई भी इंफॉर्मेशन उसे प्रोवाइड कराते हो तो क्या करेगा, उसको स्टोर करके नहीं रख पाएगा, एटलीस्ट 1 सेकेंड या 10 सेकेंड के लिए भी स्टोर करके नहीं रख पाए, तो ऐसे में बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसीलिए स्टोरेज का होना बहुत जरूरी, क्योंकि हमारा जो दिमाग होता है फ्रेंड्स, हमारे पास हमारे दिमाग में किसी भी बात को याद रखने की कैपेबिलिटी होती है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे जो कंप्यूटर मशीन है उसके लिए भी स्टोरेज बनाई गई, जहाँ पे हमारे दिए गए सारे इंफॉर्मेशन को वो स्टोर करके कलेक्ट करके रख सके। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद आता है आपका पावर सप्लाई। फ्रेंड्स, अगर पावर सप्लाई की बात करें तो पावर सप्लाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जो हमारा कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता हो, जो बिजली उपकरण से चलता हो वैसा मशीन। अब ऐसे मशीन के लिए फ्रेंड्स पावर सप्लाई का होना बहुत जरूरी है। अगर ये पावर सप्लाई नहीं होगा फ्रेंड, तो हमारा जो गैजेट है यानी कि हमारा डेस्कटॉप या लैपटॉप है वो चलने में केपेबल नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, इसके साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पे दो हमारे आउटपुट डिवाइसेस भी यहाँ पे दिए हुए हैं, प्रिंटर और स्पीकर। प्रिंटर और स्पीकर क्या होता है फ्रेंड्स, प्रिंटर में हमारे दिए हुए डेटास को हमें प्रोवाइड कराता है, और जो हमारा स्पीकर है उसमें हमारे वॉइस को जो है हम तक जो है पहुंचाता है। तो ये काम क्या आते हैं फ्रेंड्स, अभी तो जो मेन कॉम्पोनेंट है वो आपका ये मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, कंप्यूटर केस, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन। और इसके साथ साथ ये जीपीयू, ये जीपीयू एक फैन टाइप का होता है जो हमारे कंप्यूटर को गर्म होने नहीं देता। हमारा जो कंप्यूटर जब गर्म होता है तो उसे ये फैन के थ्रू उसे ठंडा करने का काम करता है। ये फीचर आपके जो है लैपटॉप में भी होता है। इनफैक्ट फ्रेंड्स, अगर मैं इन और इन इतनी चीजों की बात करूं तो ये सारी चीजें आपके लैपटॉप में भी मौजूद होती है। आइए से समझते हैं, ये तो हो गए फ्रेंड्स हमारे कंप्यूटर के उस कंपोनेंट का। आए कुछ नए कंपोनेंट्स के बारे में भी जानते हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम बात करते हैं अपने कुछ इनपुट और आउटपुट्स के बारे में, तो वो भी आइए समझते हैं कैसे हमारे जो इनपुट आउटपुट कंप्यूटर पार्ट्स होते हैं वो वर्क करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पर, मैं आपको कुछ यहाँ पे मैंने ऑलरेडी स्क्रीन यहाँ पे सर्च करके रखा हुआ है, जिसमें से एक हमारे ये पिक्चर मैप है, जिसके थ्रू मैं आप लोग को इजीली समझा सकती हूँ कि कैसे हमारा कंप्यूटर फंक्शन जो है वर्क करता है। ये देख सकते हो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि जो हमारा कंप्यूटर होता है उसका सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है सीपीयू। अब वो हमारा सीपीयू किस किस तरह से वर्क करता है, उसके फंक्शन कैसे,
तो ये हमारे पिक्चर के थ्रू आप समझ सकते हो, हमारे ड्राइंग मैप से समझ सकते हो कैसे वर्क है। सबसे पहले फ्रेंड्स उसमें इनपुट डिवाइसेस कनेक्ट होना जरूरी है और साथ में आउटपुट डिवाइसेस है जिसके थ्रू हम जो है अपने आउटपुट को पा सकते हैं, और उसके साथ प्राइमरी मेमोरी यानी कि जिसे हम रैम कहते हैं, जिसमें हमारे इंफॉर्मेशन, हमारे जो सारे जो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखने का काम करता है। साथ ही साथ इसका सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज यानी कि वो स्टोरेज जिसे हम कहीं भी यहाँ से वहां अलग से ज्वाइन करके कैरी कर सकते हैं और इसमें इंफॉर्मेशन निकाल के कहीं भी किसी जगह ले सकते हैं। और इसके साथ साथ होता है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे हम लोग कंट्रोल यूनिट के नाम से भी जानते हैं, और ये क्या करता है ऑल ओवर हमारे कंप्यूटर को कंट्रोल करने का काम करता है। तो फ्रेंड्स हमारा ये जो जितना भी इसका आप देख सकते हो पार्ट्स है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और जरूरी है। इसी चीज को फ्रेंड्स मैं आपको अपने अगले वीडियो में बहुत ही क्लियरली और बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके मैं बताऊंगी, जिससे कि आप लोगों को फंडामेंटल और इजीली क्लियर हो जाए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।